अभी की फसल किसको बोलते हैं? कौन से इसमें बोया जाता है रबी की फसल? उसमें तो ही मालूम है, गेहूँ जौ चना खड़ा फसल इसमें आता है, पर बोते सारे रबी की फसल। ये कौन सी क्लास है? तो समर क्या होता है? हाँ टोटल हिंदी बोलो। अरे तो गर्मी भी तो 4 महीने की होती है क्या, कि 2 महीने 1 महीने में खत्म हो जाती है? तो किस महीने में क्या गर्मी की शुरुआत में इसको बो दिया जाता था? तो कब बोते हैं? खड़ा होगा
ठीक है, ये जो रंगाई का काम होता था, कारखाना भी था उस समय में, और ये कहाँ मिला था हमको, माधव स्वरूप वत्स को मिला था। ये किसी का नाम है जिसने यहाँ खुदाई की तो उसे पता चला था। छाल्टी लिनन और ऊन कहते हैं, छाल्टी लिनन ठीक, छाल्टी को ऊन कहते थे, ऊन था तो स्वेटर बुनते ना वो वाला ऊन, समझ आया। यहाँ सुमेर से आयात होते थे, ये कहाँ से ये आयात किया जाता था, ये होता नहीं था, भेड़ पालन नहीं था शायद उस समय, तो ये आयात किया जाता था, शायद सूत उनको निर्यात होता था, जैसा कि बाद में सिंध में मध्य एशिया और यूरोप की सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, तीन तरफ बरामदे हैं, उनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञान शालाएं सटी हुई होती थी, उस नजरिए से कॉलेज ऑफ रिसर्च माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय है, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा है। समझ आया, समझाने की जरूरत नहीं, ये सब खुदाई में मिल रहे हैं। गढ़ की चार दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े, गढ़ किसको बोला गया है, कल नेक्स्ट पिछले क्लास में बताई थी, गढ़ किसको बोला गया है, तो जैसे तो गढ़ 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 किसको बोला गया है, इसमें आपको फोटो दिखाई थी मैं बुक में, ही गढ़ कहा गया, यहीं पर ये बता रहा है कि गढ़ की जो चार दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े, तो ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। बौद्ध स्तूप ऊपर हो गया, इसके नीचे जो नगर बसा है उसे नीचा नगर के नाम से बुलाया गया, क्योंकि वो गढ़ से बहुत नीचे पर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले, और बस्ती इसी क्लास में सब करते। अब जगह कहाँ है, यहाँ जगह नहीं है, जाइए 14 रूम नंबर में, तो क्या हुआ। अरे तो एक लिमिटेशन है एक क्लास में बच्चों को बिठाने की, अब 25 भाई बायो के तो 25 को नहीं बिठा सकते ना, उनके लिए अलग क्लास होनी है, और मेरे को तो हिंदी पढ़ाना है। क्या पढ़ा रही थी भूल जाती, एक तो हिंदी। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया, जो टीलों के आकार थे जब खुदाई की तो हल्का हल्का हुआ होगा डैमेज, वो भी कहीं कहीं से भी फिर जमीन पर जा मिली, और कहीं कहीं से जो टीले थे वो जमीन से ही लगभग मिल गए, तो समझ नहीं आया ठीक से, और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल गए। अच्छा, बस्तियों के जो कुएं थे जब हड़प्पा संस्कृति दबी होगी तो क्या हुआ, मिट्टी को निकालते गए तो वो कुएं किस प्रकार से उभर कर सामने आए, जैसे वो लंबी लंबी इमारतें, पर सच में वो क्या था, वो कुआं था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, और जो पूरब की तरफ बस्ती है वो रईसों की बस्ती है, देखिए उसमें क्या क्या मिला। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है, मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े घर चौड़ी सड़कें ज्यादातर ज्यादा कुएं, मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे टीके, अलका दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ दो हल्के हैं। टीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है, शहर की मुख्य सड़क बस स्ट्रीट यहीं पर है, मतलब जहाँ पर खुदाई करके हमें मोहनजोदड़ो की संस्कृति मिली है, सभ्यता मिली है, वहां पर जो खुदाई करे हैं ना उनके नाम से उस एरिया को बसा दिया गया है। यहाँ पर खुदाई किया तो पहले किसने किया, डीके, अलका दीक्षित, काशीनाथ। काशीनाथ में एक जगह का नाम है जहाँ पर ये खुदाई की, तो हमें मिले हैं कुछ अवशेष, यहाँ पर जिसने खुदाई करवाया था, तब जो भी संचालन करता था उसके नाम से उस एरिया को रख दिया गया। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो, अब यह आधा मील बची है, इसकी चौड़ाई 35 फुट है। मोहनजोदड़ो की तीन तरफ से वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, उनमें
सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर दो बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार, और ये सड़क लास्ट में कहां पहुंचती है जहां पहले कभी मोहन जोदड़ो लोग का बाजार लगता रहा होगा उस सभ्यता का, तो ये सड़क वहां जाकर खत्म होती है। और ये इतनी चौड़ी थी कि बड़ी बड़ी दो बैलगाड़ियां एक साथ आवागमन कर सकती थी, आ जा सकती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों के सिर्फ पेट दिखाई देते हैं। मतलब जैसे ये सड़क के सामने दरवाजा है ना, ये इसका उल्टा था। सड़क की तरफ पेट था और उस तरफ की ओर दरवाजा था, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता क्योंकि दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहन जोदड़ो से ली थी? अब कार्बूजिए को यह शिक्षा कहाँ से मिली थी, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि वो अभी का था। मोहन जोदड़ो संस्कृति कब की है? 5000 साल पहले की है, तो ये आइडिया उसको कहाँ से मिला, कैसे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन और चेतन ऐसे ही सफर करती है। मतलब जैसे मोहनजोदड़ो के समय जो शासक रहा होगा उसका दिमाग काम किया, उसी तरह कार्जियर का शासक का भी दिमाग काम किया होगा। हो सकता है कि एक जैसी सोच दो व्यक्तियों का 5000 पहले था और ये 5000 बाद की सोच है। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है, घरों के भीतर से पानी या महल की नालियां बाहर हौदी तक आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनमें छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। मतलब उस समय भी जो व्यवस्था की गई थी वह पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था थी। घरों घरों में स्नानागार होना और वो जो पानी, आजकल की व्यवस्था थोड़ी सी फटी हुई है। आप लोग कई घरों में देखते होंगे कि पानी घर में ही इकट्ठा करते हैं, गंदे पानी होते थे और वहीं पर जमा करते चले जाते हैं। लेकिन उस समय नालियां बनी हुई थी, सभी के घरों से नालियां जाकर मेन नाली में जुड़ती थी और वहां से पानी निकलता था। नालियां कैसी बनी हुई थी? दो दीवारों के बीच से जमीन के अंदर से नालियों को निकाला गया था। और ज्यादातर नालियां कैसी थी? थकी हुई थी। ठीक, यहाँ तक समझ आया? नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ बसे थे? सिंधु नदी के किनारे पे बसे हुए थे। तो जहाँ पर नदी का कुआ है वहां पर आप खोदोगे तो आपको क्या मिलेगा? पानी ही पानी, क्योंकि वहाँ पानी की कमी तो है नहीं। जहाँ नदी बह रही है और 5000 मील में ही वो पूरा नगर बसा हुआ है, तो वहाँ पानी की कमी होगी? नहीं होगी, बल्कि डर रहेगा बाढ़ आने का। ये है मोहन जोदड़ो का एक कुआं जो खुदाई के बाद मिला। देखिए कैसी लग रही है, कुआं लग रही है कि मीनार टाइप दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये दिखा आपको? समझ आया? चुप करो। नहीं नहीं, ये जो इतनी खुदाई किए है ना, ये इतनी खुदाई नहीं थी, ये कितना ही बस समय रहता था, ये पूरा मिट्टी में दबा था। इसको खुदाई कर करके तो ये ईंटा मिला होगा। ये ईंटे के द्वारा ही तो पूरा खुदाई साफ करते हैं ना, तो ये ईंटे के द्वारा वो खोदते चले रहते। ये पक्की है इसलिए इसको टूटने का डर नहीं था। और ये जब खुदाई की तो पूरा कुआं ही बाहर आया और खुदाई अंदर की तरफ चलती चली गई। ठीक, समझ आया? इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर है और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं।
कई घर बहुत बड़े बड़े भी मिले जिसमें खिड़कियों का कुछ भी पता नहीं चला, और ऊपर की खुदाई में यदि खिड़कियां होती भी तो वो हमें क्लियर नहीं होता। नीचे की खुदाई में जो मिले हमें सिर्फ दरवाजों का ही पता चलता है कि नीचे मुख्य द्वार है और बाकी खिड़की के लिए कोई भी स्थान नहीं था नीचे। और ऊपर यदि रहा भी होगा तो क्या हो चुका, खंडहर बन चुका था, वो टूट चुका था, जिससे हम पता नहीं कर पाए। फिर कह रहा है घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, और खुदाई से ही पता चला कि कौन सा घर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो वहां पर छोटे बड़े सभी तरह के घर थे, बताई थी गरीबों का भी घर अलग है, काम करने वालों का भी घर अलग है, सारे प्रकार की वहां सुविधाएं थी। लेकिन सब घर एक कतार में है, ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 फुट का होगा, कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोवेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता था, इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे, मतलब एक गाँव में यदि बता गया है तो वहां पर यदि 2 आंगन और 20 कमरे निकले तो वो घर मुखिया का घर माना गया है। ठीक, जैसे गांव में क्या होते हैं पंच सरपंच होते हैं ना, सरपंच होता है वही तो मुखिया होता है गांव का, तो वही मुखिया को उसके घर की पहचान यह होती थी कि उसके घर में 2 आंगन होते थे और 20 कमरे होते थे। गलती से यदि उसी गाँव में कोई दूसरा व्यक्ति भी 20 कमरे और 2 आंगन लगा लिया तो वो भी मुखिया बन जाता है। यदि गलती से किसी ने अपनी इच्छा से 20 कमरे और 2 आंगन बना लिया तो खुदाई में यही जान लिया जाएगा कि वो भी मुखिया का ही घर है, पर ऐसा नहीं है। मुखिया का घर 2 आंगन और 20 कमरे का घर वो मुखिया का घर होता है गाँव का जरूर। ठीक है, किसी हल्का आगे पूरब में है दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इस तरफ के एक घर से मिली थी। इनके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फल्लांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड ग्रिव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई। ये सब खुदाई करवाने वालों के नाम दिए गए हैं आपको। जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही है, प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी क्या मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, मतलब एक नर्तकी का क्या मिला है, मूर्ति मिली नर्तकी का जो अभी भी है। और कहाँ रखा गया है इसे, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ के लोग नृत्य करना भी इसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक, यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाए। उपासना मतलब पूजा का केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है, मतलब जो ऊपर में मंजिला था वहां पर भी कुछ रहता पर वो क्या हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और सिर्फ सीढ़ियां जाते हुए दिख रही है हमें। पश्चिम में कड़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए है। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर नहीं है, समझ आया, कर्मचारियों और कामगारों के घर। सब में 2-2 कमरे, सब में स्नानागार। अब उसको 2 कमरे को लोग किचन बनाने चाहे कुछ भी बनाने, पर 2-2 कमरे और एक एक स्नानागार। तो इसे पता लगाया गया कि ये शायद कर्मचारियों के घर या कामगारों के घर होंगे। जैसे यहाँ पर SP के क्वार्टर्स एक जैसे होते हैं ना, आप जाओगे तो दूसरे समझ जाओगे SP के क्वार्टर्स, इसी तरह से इसमें भी समझ आ रहा है हमें कि ये कामगारों या कर्मचारियों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुआं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना बस्तियां घर कुंड बड़ी इमारतें ठप्पेदार मोहरे चौपड़ का खेल गोटियां तोड़ने के बाद आदि सब
सभी कैसे थे? चौकोर आकार में, इस आकार में, ठीक। सिर्फ कुआं को छोड़कर, कुआं ही एक गोलाकार था, बाकी सभी चौकोर आकार में दिखाई दिए हैं। आगे बढ़ो। अरे माफ कर, आगे बढ़। ग्रेगरी पोसेल, ग्रेगरी पोसेल का मानना है बड़े घर के आंगन चौड़ी दिखते हैं, तो सरों के ऊपर की पंक्ति के निशान के यहाँ पर सीढ़ी में शायद सभी सही होगी, जो बनाकर के नष्ट हो गई है। कालांतर में नष्ट हो गई है, काला कालक कल के बच्चे नष्ट हुए सपना के ऊपर की मंजिल से चले झरोखे, खिड़की झरोखे और साफ सुथरा रही होगी। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा अमेरिकी नृतत्वशास्त्री ग्रेगरी पोसेन का मानना है कि बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां, तो बड़े घर के आंगन है उसमें चौड़ी सीढ़ियां है, और जो छोटे घर के आंगन है वहां पर सकरी। ये जनरल से आप लोग भी कॉमन सेंस करा सकते हो कि यदि बड़ा घर है तो बड़ी सीढ़ी आराम से निकाल सकते हो, पर छोटे घर में क्या करोगे, सीढ़ी को सकरा एक तरफ कर दोगे ना, नहीं तो बड़ी सीढ़ी बनाए तो पूरा जगह उसी में कर लेगा। तो वही दिमाग इस समय भी लगाया गया था कि बड़े घरों में बड़ी सीढ़ियां मिली और छोटे घरों में सकरी सीढ़ियां मिली। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है पर सीढ़ियां नहीं है, ऊपर रूम बने हैं पर सीढ़ियां नहीं है, या तो नष्ट हो गई होंगी वो, शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यदि उन लोग दो मंजिला बनाए तो लकड़ी की सीढ़ियों के द्वारा भी वो अपना काम कर सकते रहे होंगे। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां झरोखे और साफ सुथरा रही होगी, क्योंकि नीचे में सिर्फ मुख्य द्वार मिलता था, खिड़कियों का कोई भी काम नहीं था, तो हो सकता है ऊपर जो मंजिला उन लोग बनाते थे उसी में साज सज्जा करते थे, खिड़की रखते थे, झरोखे वहीं पर मिला होगा उनको। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो, कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत और कुछ घरों में बाहर की तरफ भी सीढ़ियां मिली है। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे, मतलब जहाँ पर अंदर से सीढ़ी है वहाँ एक ही परिवार है, और जहाँ पर बाहर से सीढ़ी है वहाँ पर अलग अलग परिवार, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया गया। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं, ऐसा जगह की तंगी की वजह से उनका होगा। वही चीज में बताए, हो सकता है जगह का कम महत्व रहा होगा तो वहां पर क्या किए होंगे, छोटी सकरी सीढ़ियां बनाए होंगे। गौर किया कि मोहन जोदड़ो के किसी घर की खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है, गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी, इसे मोहन जोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हुआ है, शेर हाथी या गेंडा इस मरुभूमि में हो ही नहीं सकते, क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे या तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधु वासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, किंतु दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं हुए। वहां पर सिंचाई किससे होती थी, कुओं से सिंचाई कर लेते थे, इतनी पानी की अधिकता थी, पर वहां पर नदी के द्वारा नहर का प्रबंध नहीं मिला है, हमें इसके कुछ भी प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी।
क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और इसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता थी? और इसके पतन का एक कारण यह भी बता रहे हैं, क्या भूतल मतलब जमीन से इतना अधिक पानी खींचने के बाद वहां पर सूखे की नौबत आ गई थी क्या, जिससे यह इलाका उजड़ गया? या दूसरा यह बता रहा है कि हो सकता है सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता थी, सिंधु घाटी में बाढ़ वगैरह आने से भी सभ्यता का अंत हुआ होगा। मोहनजोदड़ो की उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे के सामने से हम गुजरते तो शान शान की गर्मी में हवा की लहर साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पट्टी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूर्य घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना क्यों ना हो। हमें कमोवेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता है, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहल कदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े में चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी। मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है, कल को यहाँ बसता था जरूर। यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। क्या बताया कि हमने इतने सहेज कर कंघी की तरह बोल रहा है, तो तिनका तिनका उस मिट्टी को निकालकर हमने इस संस्कृति का पता लगाया, इसके जरिए खुदाई के जरिए जब हमें पता चला। लेकिन पता चलने के बाद भी उस घर में जाने से खुदाईकारों का ये मानना है कि वो हमारा घर नहीं है। हाँ, तो वो चाहे 5000 साल पहले पुराना हो, चाहे अभी का। पर यदि दूसरे घर में जाओगे तो आपको अजनबी टाइप नहीं लगेगा, अपना घर अपना होता है। लेकिन वो था हड़प्पा संस्कृति के समय का, तो वही बोल रहे हैं कि कितना भी हो वो घर हमारा नहीं था। था तो 5000 साल पहले पूर्व हड़प्पा संस्कृति के लोगों का, पर था तो घर वह भी। अभी और कितना होता है पक्की ईंटें नहीं पड़ाई हूँ क्या? पक्की ईंटों से घर बने थे और सीमेंट भी, वहां का मिट्टी जो था वो सीमेंट का काम करता था। कौन सी मिट्टी बताई थी? गारा मिट्टी की। क्या है मिट्टी? वो मिट्टी वहां सीमेंट का काम करता था, मालूम है? उससे उन लोग बनाते थे। और वो आज भी इतना पक्का है कि कुआं वैसे का वैसे निकल गया, वहां टूटा नहीं था। नहीं नहीं, वो सीमेंट टाइप का ही कुछ उस समय मिलता रहा होगा, हमको क्या मालूम। उससे हम लोग घर बनाते थे, पर उसे ही पक्का घर माना गया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों में निकल आने एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है, अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। जो अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोरे वाद्य, चाक पर बने विशाल मृत भांड, उन पर काले भूरे चित्र चौपड़ की गोटियां, दिए माप तौल, पत्थर तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और खिलौने, दो पाटन वाली पक्की कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के
मनकों वाले हार और पत्थर के राजा, ये सारे चीज हमको किसमें मिले हैं? खुदाई में मिले हैं। ठीक क्या है? क्या है समझ आ रहा है? ये वाला आभूषण है, क्या है? आभूषण है ये, और ये है बैंक बैरू, ये खुदाई में मिले, ये बैलगाड़ी है। दो बैग को आगे बता देते हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति को बिठा देते हैं तो आराम से पार कर लेंगे सब चीज, और बैग थकना नहीं चाहिए। ये है हाथी, हाथी दिख रहा है ना? ये को नहीं लगा, हाथी भी कौन है ना? चिंता नहीं, मूर्ति दिखा रही हूँ आप लोग को, घर तो पहुंचने पर दिमाग वहीं का वहीं है। चिंता हाँ नहीं, यहाँ पे आपको फोटो प्रिंट करके देगा। तो ये अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो की संस्कृति से खुदाई में मिले हैं। ये नृत्य मुद्रा में एक लड़की की फोटो दी है इसमें, जो नृत्य करती है, इससे ये समझ आता है कि वहां के लोग नृत्य करना भी जानते हैं। ठीक है, ये 2500 साल पुराना नहीं, कितना है? 2500। ठीक, अभी तक मैंने जितनी फोटो दिखाई, आपका नाम क्या? मारुत है कि मानस? मारुत है, मारुत ऐसे बैठ कर देख। ठीक, आप लोगों को समझ आया? अतीत में दबे पांव, इस चैप्टर को मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है, और कल मैं इस चैप्टर का नोट्स आपको व्हाट्सएप में सेंड करूंगी, जिसे आप कंप्लीट करोगे कॉपी में। क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। चलिए बताइए।